नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं किसान डेस। आज हम लोग औली के लिए निकले हैं, जो कि 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है और उसके बाद देखते हैं कोई गाड़ी वाड़ी मिलेगी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और आपको दिखाते हैं जंगल के प्यारे रास्ते और पहुँचते हैं औली और देखते हैं बर्फबारी आज हुई या नहीं हुई। तो चलो चलते हैं औली के लिए और देखिए आप लोग कितने सुंदर और प्यारे रास्ते हैं। तो इस आनंदमयी सफ़र में छोटी छोटी पगडंडियों से चलकर हम लोग औली की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां से लमसम 2 किलोमीटर दूर टैक्सी स्टैंड है और वहां से हम टैक्सी लेके ऊपर जाएंगे। यहां से जाने के लिए रोप वे भी एक माध्यम है, मगर उसका चार्ज हमें कुछ ज़्यादा लगा और उतना हम अफोर्ड नहीं कर पाए, इसलिए हमने टैक्सी वाला दूसरा ऑप्शन ही चुना। और आप लोग रोप वे से जाएं तो पर पर्सन 1000 किराया उसका है और आने जाने दोनों तरफ का, और ऊपर जो है व्हील चेयर भी चलती हैं तो उसका भी 500 रुपये किराया है। तो हमने अपना कुछ सफ़र टैक्सी और कुछ सफ़र पैदल ही तय किया। चलो चलते हैं। रास्ते में हमें सुंदर सुंदर पर्वत दिखते हैं और उनके ऊपर गिरी हुई स्नो दिखती है, उसका आनंद एक अद्भुत आनंद लगता है और जितना भी देखो तो मन में संतुष्टि आने का नाम नहीं लेता है। आप लोग देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा बर्फ़ ऊपर गिर चुकी है और अभी औली में बर्फ़ मुश्किल है कि मिले, मगर यहाँ पर सामने वाले पहाड़ों पर बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। हम लोग औली पहुंच चुके हैं और यहां से नीचे से मिलती हैं चेयर आपको, जो कि आपको यहां से 5 किलोमीटर ऊपर लेके जाती हैं और उनका किराया 500 रुपये पर पर्सन है। और हम लोग यहां से बस थोड़ा सा ही बचता है तो हम लोग पैदल ही निकल रहे हैं और यहां टैक्सी इधर ऊपर नहीं जाती है। आप लोग देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर रास्ते और कितनी सुंदर स्मृतियाँ कैद होती हैं पहाड़ों पे। उनमें से एक यात्रा रही औली की। तो हम लोग अब औली पहुँच चुके हैं और बड़ा सुंदर औली है। टेम्परेचर तो माइनस में है मगर आनंद एक नंबर है। चलो लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको औली की खूबसूरत वादियाँ। और औली बहुत सुंदर है जी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। फिर हमें उस पहाड़ी पे जाना है और हम लोग लगातार चल रहे हैं। ये देखिए सुंदर वादियाँ, ऊपर से और भी अच्छा लगता है। देखिए कितना सुंदर। ये एक सरकारी इमारत है और हम लोगों को जाना है ऊपर उस पहाड़ी पे। तो चलिए चलते हैं आप लोगों को लेके और सफ़र का आनंद लीजिए आप लोग भी हमारे साथ। आप लोग हमें बताएं कि कैसा रहा सफ़र और हमारी क्या कमियां हैं जो हम सुधार लें, क्योंकि कुछ कमियां ज़रूर होती हैं और तो उसका सुधार का पूरा प्रयास रहेगा। और चलो चलते हैं ऐसी चढ़ाई चढ़ के, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ पेमेंट का प्रॉब्लम था इसलिए हम व्हील चेयर भी नहीं लिए और हम लोग पैदल ही सोचा चलें। तो आप लोग देखिए हम लोग चल रहे हैं इन सुंदर वादियों में। तो हम लोग औली पहुंच गए हैं और
पीछे सारा बर्फ बर्फ है और ये मैदान खुला है जिसमें एकदम आनंदित फील हो रहा है और बड़ा एंजॉय, मतलब बड़ा मस्त लग रहा है पूरी यात्रा में। अभी तक एक नंबर यात्रा रही। बाकी आप लोगों को आगे दिखाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कितना खर्चा आया है, ये सारा आप लोगों को आगे हम बताते हैं। तब तक आप हमारे साथ ही बने रहें हमारे चैनल पे और पूरा आनंद लीजिए। चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ क्लाइमेटिक व्यू, क्योंकि यहाँ पर व्यू देखने ही वाले हैं। बंद कराएं तो ये ब्लॉग हम लोग करते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलते हैं ओली वाले एक दूसरे ब्लॉग में। ओली हम लोग पहुंच चुके हैं और ओली से आपके लिए लेके आते हैं एक दूसरा ब्लॉग, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और आइए एक क्लाइमेटिक व्यू देते हैं और ये इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू।